नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षक भर्ती का। एक मामला देखने को आ रहा है सामने, लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर जा सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो, कंप्लीट एनालिसिस कीजिएगा। जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यूज लगी हुई है, शिक्षकों के प्रमोशंस को बना दी गई मनमानी सूची, दीवार तय। जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में जो कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशंस को लेकर के अड़चने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 की अनदेखी करते हुए मनमानी सूची बना दी है, जिसके कारण विवाद होना तय है। नियमावली के मुताबिक जो ज्येष्ठता सूची है, अध्यापक की मौलिक नियुक्ति तिथि से तय होती है। यदि नियुक्ति तिथि समान है तो चयन के समय गुणांक के आधार पर बनाई गई सूची ही वरिष्ठता का आधार बन जाती है। यदि गुणांक भी समान है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होती है वही अभ्यर्थी वरिष्ठ माना जाता है। लेकिन बलिया, बाराबंकी समेत कई जिलों ने नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता कर दी है, जबकि पहले गुणांक के आधार पर वरिष्ठता करने का दावा किया जा रहा था। तो इस तरीके से लेकर शिक्षकों में असंतोष है और ये संबंधित जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी 22 अप्रैल तक आपत्ति का निस्तारण नहीं करते हैं तो मामला कोर्ट में जाना तय है। तो आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के जितने भी प्रोसेस होते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हों, उच्च की हों, कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो निश्चित तौर पर कोर्ट में फंसते हुए दिखाई देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं प्रतापगढ़ बीएसए ने टीईटी को नकारा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जूनियर का प्रमोशंस, प्राइमरी का प्रमोशंस जूनियर में किया जाता है तो जूनियर का जो टेट सर्टिफिकेट्स होता है, यानी कि टीईटी पास हुए टीचर ही जूनियर में प्रमोट होते हैं, ऐसा एनसीटी के गाइडलाइन में मेंशन किया गया है। लेकिन प्रतापगढ़ के जो बीएसए महोदय हैं, इन्होंने बिना टीटी पास ही कहीं ना कहीं जो शिक्षक साथी हैं उनको अपर प्राइमरी में प्रमोशंस के लिए उनकी सूची पर जो मुहर है वो लगा दी है। तो इस तरीके के जो विवाद हैं प्रमोशंस को लेकर के, निश्चित तौर पर ये कोर्ट में फंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती बिना कोर्ट के नहीं होती। तो ये वरिष्ठता सूची, शिक्षक के प्रमोशंस के जितने भी मामले हैं, निश्चित तौर पर ये कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीटी की जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और प्रमोशंस के तार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी जुड़े हैं। क्योंकि जब प्राथमिक का प्रमोशंस होगा जूनियर में तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षकों की कमियां हैं वो और ज़्यादा होंगी और निश्चित तौर पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद हैं वो और ज़्यादा रिक्त होंगे। फिलहाल अभी प्रमोशंस को लेकर के जो चयन सूची है उस पर 22 तारीख तक आपत्तियाँ लगनी हैं और अगर इनका निस्तारण सही तरीके से होता है तो ठीक है, वरना ये प्रमोशन का जो मामला है निश्चित तौर पर ये कोर्ट की शरण में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय पर क्या है इस पूरे वीडियो पर, कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको निरंतर सटीक और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए, पल पल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।